देख रहे हैं एसके किन्नी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन के मौके पर नवादा जदयू कार्यालय में जदयू जिला अध्यक्ष सलमान राघव, उपाध्यक्ष विनय यादव सहित दर्जनों नेताओं के केक काटकर जन्मदिन को विकास दिवस के रूप मनाने का आह्वान किया। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य सलमान राघव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में विकास की बहार है, हर एक क्षेत्र में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। नीतीश कुमार के आदेश पर पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किए। इस मौके पर जदयू नेताओं में जिला परिषद सदस्य नारायण मोहन स्वामी, अर्जुन राम, जदयू सदर प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव, रघुनाथ यादव, मोहन सिंह चंद्रवंशीश, यदु यादव, रामवाल चौहान, अनवर भट्ट सहित कई नेताओं मौजूद रहे। आज बिहार का अनुकरण पूरा हिंदुस्तान कर रहा, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, वो बिहार के बहुत सारे कार्यक्रम को अपने यहाँ अमली जामा बैठाते हैं। दोस्तों, आपसे छुपा हुआ नहीं है, हिंदुस्तान में आजादी के बाद आदरणीय नीतीश जी ने सिर्फ विकास ही नहीं, हिंदुस्तान में बिहार में जो सबसे गरीब तबके के लोग थे, जो हमारे महात्मा गांधी का सपना था, जो देश का सपना था कि हम आखिरी पंक्ति जब हिंदुस्तान ने जब ही हिंदुस्तान तरक्की करेगा, जब हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदुस्तान के आखिरी पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, जब तक उनका विकास नहीं होगा, हम हिंदुस्तान के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप देख रहे हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बिहार में गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए, महिलाओं के लिए, जो कमजोर तबका था, सबों के लिए नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया, उसको आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसका संकल्प दिया। और आज उसी का देन है दोस्तों कि बिहार तरक्की की तरफ आगे बढ़ चुका है, तरक्की कर रहा है। ये बात सही है कि जितना पीछे बिहार चला गया था, उसको आगे करने के लिए, उसको जगह बनाने के लिए 15 साल का वक्त लगा। जब हिंदुस्तान ने बिहार को लोग सबसे पिछड़ा देश राज मानते थे, आज बिहार को सबसे पहला राज मानने लगे हैं, ये कहने लगे हैं कि जब बिहार तरक्की कर सकता है तो हिंदुस्तान का कोई भी कोना, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का कोई भी कस्बा तरक्की कर सकता है। ये दिन आपके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है। आज उसी का देन है कि पूरे बिहार में हम लोगों ने, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनताओं ने ये तय किया है कि हम उसको विकास के रूप में, आज आदरणीय नीतीश कुमार का जो 17वां जन्म दिवस है, उसको हम विकास के रूप में मनाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में, आप जानते हैं, आप महिलाओं को आरक्षण देकर के 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इसलिए कि महिलाओं को, आपकी घर में भी महिलाएं हैं, आप महिलाओं को सेकंड दर्जे की महिला आदमी मानते थे, आज महिलाओं का ये हालत है कि आप भी हम भी उसको एक नंबर के एक का इंसान मानना शुरू कर दिया है। अपने बच्चियों को, अपनी बहनों को, सबों को हम चाहते हैं कि वो अच्छा सा अच्छा तालीम ले, ताकि उसकी नौकरी लग जाए, उसको खुशी तरह से आगे तरक्की हो जाए। ये देश किसका है, आपको यही सब चीज समझना होगा। आप आज पूरे बिहार में ये चुना हुआ है दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके नेता आदरणीय नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश हुई है, बड़े पैमाने पर उनको कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान के जो नेता है, बिहार के जो नेता है, वो कमजोर करने की साजिश की गई है, किया है, और उससे आपके नेता कमजोर भी हुए हैं। लेकिन आज के दिन 17वां जन्म दिवस के दिन विकास के रूप में जो हम लोग मना रहे हैं, उसमें भी आज हम लोग को संकल्प लेना है, ये तय करना है कि जो गलती हम लोगों से हुई है, वो गलती को हम दोहराने नहीं देंगे। आप जो नीतीश कुमार को कमजोर किया है, हम लोग आने वाले दिन में अपने नेता नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे, शक्ति देंगे, और नीतीश कुमार को इंकलाब का नारा देकर के आगे बढ़ने की बात करेंगे। और आप लोग जानते हैं, आप